हम 93 बढ़ाए थे, आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 जो था वो अध्यक्ष 93 ऐसे का लिखा जाता है। आर्टिकल 93 के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, तीन लड़का जो खड़े हो चुपचाप बैठ जाओ, इधर जो खड़े हो उधर जाके बैठ जाओ, नई जगह है तो नीचे जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम पीछे को डिस्टर्ब कर दें। अच्छा वहां बैठे तो लड़की उठा दी सब, ओ भाई भगवान तुम आ गया, तुम आ गया वहां कहीं बैठा लो इसको, हाँ हाँ कहीं कहीं एडजस्ट करो, बेचारे लड़की सब उसको उठा दी सब, क्या करोगे लड़की सब, उन सबको ये तो पढ़ना जरूरी है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड में आवाज आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा आवाज जा रहा है साउंड में, साउंड में एक्स्ट्रा आवाज नहीं जाना चाहिए, इसको रख दीजिए। बैठने दो बाबू सबको, देखो इसे बेचारा लड़की से उठा दिए इसको, देखो आ जाओ बेचारा सर, लड़का सब बैठा था सर और बेचारा लड़की सब आई सब तो उठा दी सब, बेचारी बैठ जा बैठ जा बैठ जा, देखो कितना सीधा होता है सर लड़का से, ब्रेंच पे से नीचे आ गया, अब बेचारा बोरा खोज रहा है कहाँ बिछाए। साउंड में प्रॉब्लम अब नहीं आएगा, देखिए ध्यान से समझिए, हम आपको संसद में दो अधिकारियों के बारे में बताए थे, संसद में दो अधिकारी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एगो लोकसभा का सभापति, उपसभापति राज्यसभा का, ये सब संसद के क्या है अधिकारी हैं। राज्यसभा के बारे में बताए थे, लोकसभा वाले की चर्चा आर्टिकल 93 में थी, आर्टिकल किस में थी 93 में, अन्य आर्टिकल भी है लेकिन वही बातें हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसको अलग अलग करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे आप लोग को एक पूरा अनुच्छेद एक से लेकर 395 तक का पूरा आर्टिकल का लिस्ट दे देंगे, ठीक है, तो आप लोग उसमें जो जो खोर खोर के पढ़ना है पढ़ते रहिएगा। देखिए लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसमें कौन बैठते हैं सभापति, सभापति वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, इसमें बैठते हैं अध्यक्ष, ये इसके सदस्य होते हैं, जब तक ये लोकसभा के सदस्य हैं तब तक ही ये राज्य ये अध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं। क्या अध्यक्ष अलग से शपथ लेता है, इसे शपथ कौन दिला देते हैं, प्रोटेम स्पीकर, ये अलग से शपथ नहीं देता है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसे देता है अध्यक्ष, लेकिन यह नियम यहाँ काम करता है, उपसभापति जो होता है वो अपना त्याग पत्र किसे दे देता है सभापति को दे देता है, और सभापति भी उपसभापति को ही देता यदि वह उपराष्ट्रपति नहीं होता तब, लेकिन उपराष्ट्रपति है इसलिए वो किसे जाके देता है राष्ट्रपति को देता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला समझिए ध्यान से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक ही अपने पद पर रहेंगे जब तक कि वो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा ही इन्हें चुनती है और इन्हें वो साधारण बहुमत से चुन लेती है, लेकिन हटाने के लिए विशेष बहुमत लाया जाता है, कम से कम कितने सदस्यों की सहमति, पचास, कितने आगे बढ़ जाते हैं 50 सदस्यों की सहमति, लेकिन सहमति के बाद पारित करने के लिए दो तिहाई, क्या इसके राज्यसभा को भी शामिल किया जाएगा, राज्यसभा को शामिल ही नहीं किया जाएगा इसमें, यहाँ नहीं किया जाएगा। अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियों के बारे में समझते हैं। एक आदमी का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं दे रही, अब विशेष बहुमत सरकार ने, विशेष राज्य का दर्जा ही सरकार ने खत्म कर दिया, विशेष पैकेज की बात कही है। देखिए होता क्या था विशेष राज्य में, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, कोई भी राज्य जितना टैक्स वसूल कर देता है उसका 43% उसे लौटाया जाता है, लेकिन अब इसे क्या किया गया 42, ओकरों से घटा के क्या कर दिया 41, तो अभी कितना लौटाया जा रहा है 41%, ये तो हर राज्य को मिल रहा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार में कोई काम करती है
तो उसमें भी नियम लगा देती है। जैसे केंद्र सरकार सड़क बनाएगी ना तो कहेगी 60% हम देंगे और 40% कौन देंगे, राज्य सरकार। बहुत ज्यादा रहम करेगा, बहुत ज्यादा रहम करेगा तो ही ये होता है। अमूमन कभी कभी 50% कर देता है, क्या कर देता है 50%। ये सामान्य राज्यों के लिए है, लेकिन जो राज्य विशेष राज्य का दर्जा है उनमें 90%, देखिए जो 42% दिया है वो तो दिया ही है, वो तो दिया ही है, लेकिन जो विशेष राज्य के दर्जा है उनमें अगर कोई केंद्र सरकार काम करेगी तो 90% पैसा खुद लगाएगी, 10% किससे लेगी, उस राज्य से लेगी। अब आप बताइए बिहार सरकार को, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार को फायदा होगा कि नहीं होगा, बहुत होना चाहिए यहाँ पे बिहार को फायदा होगा। लेकिन आप इस उम्मीद में मत रहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी केंद्र सरकार जो है वो 60% देती है, कितना देती है 60%, 90% देगी तो फायदा होगा, नहीं। 90% से 30% जो, सॉरी 60 से जो 90 हुआ है ये घोटाले में जाएंगे, कमीशन बाजी में चला जाता है। बिहार में हर चीज में आपको अवेलेबल है, हर चीज में, समझा कि नहीं, कुछ चीज में बहुत ज्यादा हो गया करप्शन। सरकारी नौकरी का मतलब ही होता है फ्यूचर में करप्शन करेगा। हाँ ये बताओ बाबू, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान से इंडिया की टीम बहुत बुरी तरह हारी थी, भारत के लोग इंडिया टीम के खिलाड़ियों को गरिया दिए थे, हद तो तब हो गया किस किस कुछ कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान तक जाने की नसीहत दे डाला, लोग डाल दिया कि नहीं। देखिए खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, दोनों तो जीत नहीं सकते हैं, हमें भी दुख है कि हमारा देश हमेशा मैच जीते, लेकिन ये क्या हो सकता है कि हमेशा जीत। चलिए आपने उन क्रिकेटर को जो हारे बेचारे भारत में, ऐसा नहीं है उन लोग ने जब वर्ल्ड कप नहीं लाया या अच्छा कभी रिकॉर्ड नहीं बनाया, हमेशा से अच्छा रहा इन लोगों का, लेकिन जब ये पाकिस्तान से हारे तो हम लोगों ने अपने क्रिकेटरों को गाली देना भला बुरा चालू किया। लेकिन जब हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से हार गया तो हमने अपने नेताओं को गाली क्यों नहीं दिया, नहीं पते नहीं चला, ले पते नहीं चला ये सबको, तो फिर उन सबों को भी पता है आपको पते नहीं है, तो फिर वो सब भी आपको कोई लिए ध्यान देगा, समझ में आ गया। आप लोग जाएंगे तो यही सब ठीक ठीक ऐसे ही सब तो होता ही रहता है, तो हम लोग से आए ना नेता बतिया है, तुरंत पर कैपिटल इनकम बात करेंगे तो खुद ही ना पता चलेगा क्या बोल रहा है, अरे सचिव को लेके आता है सब, देखिए तो क्या कह रहा है, ठीक आदमी नहीं है, कहता है निकल चलिए महाराज, सबके पास जाते हैं वोट मांगने, वोट कटुआ है सब, ये सब दो चार को क्वेश्चन वोश्चन पूछ देगा तो आप भाग जाएंगे, भाग हटिए यहाँ से, गड़बड़ बात है ये सब, समझा कि नहीं। वो किसके पास जाएगा, खटिया पे कौन 40 साल एकदम सुंदर ओके उठाएगा, ए बाबा तो नहीं 500 रुपया देगा चल जाएगा वहां पे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े सर, एक जगह है खानपुर, हमारा नहीं है, आप ही का है क्या, उस तरह मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो महाराष्ट्र के पास एक जगह था खान देश, तो क्या हमारा है वो, ऐसा थोड़ी होगा। देखो बाबू अब ध्यान से समझते, इनकी इनका शक्ति किनकी शक्तियां, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, क्या शक्तियां है भैया इनकी, तो इनकी कई सारी भयानक भयानक शक्तियां हैं, जैसे यार माइक को क्यों गड़बड़ कर रहा है, संसद के अंदर सारी कार्रवाई को, लोकसभा में जितनी भी कार्रवाई होती है लोकसभा की कार्रवाई को, लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही कौन करता है, लोकसभा कार्यवाही का कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है, किसी को भी बैठने के लिए बोल देगा बैठना पड़ेगा कि नहीं, बैठना पड़ेगा वहां पर, तो लोकसभा की कार्रवाई को कंट्रोल करता है अध्यक्ष करता है।
सीट नहीं मिला बैठने के लिए तो कह रहा खान सर लड़कों का भविष्य बर्बाद कर रहा। मत पढ़ो तुम, हमारे खपड़िया पर नहीं ना बैठाएंगे जी। रसीद छोड़ ले घर, जितना आपको नौटंकी रहता है सब बताओ बाबू, सीट नहीं मिला, आप लोग भी तो जमीन पे बैठे हो, अब इसके बाद हम लड़कों को कहाँ बैठाएंगे, अब कहाँ बैठा सकते हैं, पांच हॉल छह हॉल, हम यही ना कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको कि भाई आप कहीं थोड़ा एडजस्ट कीजिए, और हम कैसे मान लें कि आप यहाँ के हैं, ना आपके पास आई कार्ड है ना रसीद है, से नौटंकी कर रहा है। जो ज्यादा नौटंकी कर मेरे पास लेके आओ, सीधी सी बात हम कहते हैं बाबू, हम आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते, बैठने के लिए हमारे पास खुद समस्या, मेरे जगह आप रहेंगे तो कहां से एडजस्ट कर देंगे। और जितना नौटंकी बाज होता है सब ना, हम चाहते नहीं है कि वीवीआईपी वाला आए सब यहाँ, हम इनडायरेक्टली बोल भी देते हैं नहीं दे पाएंगे हम वीवीआईपी लोग का ट्रीटमेंट, दिल्ली चल जाओ 2 लाख रुपया फीस लगेगा, एसी में बैठना आराम से एकदम बैठना, 2 लाख रुपया फीस लगेगा, 4 लाख लगाओगे, 10 लाख लगाओगे, उसके बाद कंपटीशन में यहाँ के जमीन पे बैठने वाले से फेल हो जाओगे। जो लोग बाबू थोड़ा सा लाइव वाले लोग, आप लोग का आवाज थोड़ा सा आज गड़बड़ हो गया है। देखिए लोकसभा की कार्रवाई को कौन कंट्रोल करता है, अध्यक्ष, उधर में कंट्रोल कौन करेगा, सभापति। अगर आप लोकसभा में ज्यादा हंगामा करेंगे तो लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कौन कर सकता है, अध्यक्ष, उधर में कौन करेगा, सभापति, अध्यक्ष या सभापति। जब कोई विधेयक आता है तो देखिए विधेयक दो टाइप के, एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक पर केवल और केवल शक्ति लोकसभा को है। एक्चुअली धन विधेयक की जो चर्चा है वो 109 में है। धन विधेयक की चर्चा कितने में है, 109 में है। धन विधेयक की चर्चा किसमें, 109 में है। एक अब आपको अभी कैसे पता चल पाएगा, अभी तो आप 93 पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बस नॉर्मली समझिए, धन विधेयक जो होता है वह उसपे टोटल और टोटल शक्ति लोकसभा की है, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, धन विधेयक को मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक को क्या कहते हैं, मनी बिल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, अध्यक्ष। अच्छा लोकसभा की जब हम शक्ति पढ़ा रहे थे तो आपको एक बात बताए थे कि लोकसभा के पास संख्या बल अधिक होता है, लोकसभा के पास संख्या बल अधिक होता है। क्या यदि हम संयुक्त यानी ज्वाइंट सेशन बुलाएं तो उसमें राज्यसभा की मनमानी चलेगी कि लोकसभा की, लोकसभा की, तो बताइए संयुक्त अधिवेशन में कौन किसकी मनमानी चल जाती। अब एक और चीज ध्यान से देखिए, निर्णायक मत, कैसे लिखा है, ठीक लिखा है, आए छोड़ो उधर निर्णायक, उसमें दिमाग ही काम ना करा, उससे गुस्सा दिला दिया हमरा, दिमाग एक से एक रहता, आज आप गांधी जी जैसे लग रहे। अरे यार तुम किसको गांधी जी समझता है रे सुनो ध्यान से, यहाँ पे निर्णायक मत देने का अधिकार किसे, लोकसभा को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे, लोकसभा अध्यक्ष को। अब ये निर्णायक मत क्या होता है, देखिए मान के चलिए यहाँ पे बैठक चल रही है, यहाँ बैठक चल रही है, ये लोकसभा ही है, सपोज कीजिए क्या है, लोकसभा, ये राज्यसभा नहीं है, लोकसभा ही है यहाँ पर। अब हम ये कहना चाहते हैं कोई प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, अब आधे लड़के इसमें प्रस्ताव में क्या हो जाएंगे, आगे पक्ष में हो जाए, जैसे हम यहाँ कह दे कि क्लास को हम मान के चलिए रात को 3 बजे से करने के लिए सोच रहे हैं, तो अब ये प्रस्ताव को पास करने की बात आई, तो जितना लड़का है सब, तो कितना लड़का सब पास करने के, चलिए पास करने के पेपर में, और विपक्ष में कितना लोग, हाँ आप बताइए ध्यान से, जितना लड़का जो बोला है पक्ष में लगभग लगभग उतने ही है विपक्ष में, सुनो ध्यान से, दोनों लोग बराबर हो गए। अब बताइए जब पक्ष और विपक्ष की बातें बराबर हो गई तो वो विधेयक पास होगा कि नहीं, नहीं। अब अमूमन लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डालता है, सुनो ध्यान से बेवकूफ, तुम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, गधा सब उधरे रह जाता है, पूरा गधा है सब, 24 कैरेट कह दे, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे थे, एकदम सीरियस मान लिया, से 4 बजे हो गए, 3 नहीं से 3 बजे
सुनिए ध्यान से, तो अमूमन लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट नहीं डालता, लेकिन जब किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष यानी किसी विधेयक के समर्थन और उसके विरोध दोनों में मत क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में ये अपने वोट का प्रयोग करेगा और इसका एक सिंगल वोट पूरा निर्णय बदल देगा। अतः इसके एक सिंगल वोट को क्या कहते हैं, निर्णायक मत। क्या कहते हैं, निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन देता है, निर्णायक मत कौन देता है, अध्यक्ष। निर्णायक मत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन डिसाइड करे, अध्यक्ष। संसद का जो सचिवालय होता है, क्या होता है, सचिवालय, वो किसके अंडर में होता है, अध्यक्ष। अब सचिवालय क्या है भैया, पूरा देश यही चलता है, ये जो संसद का सेक्रेटरिएट है ना, पूरा देश यही लोग चलाते हैं। कहने के लिए सरकार आती है जाती है, ये सब है कहने के लिए, सब ऊपर ऊपर सतही बातें, लेकिन इंटरनली देखेंगे तो पूरा देश सचिवालय चलाते हैं। आप जब डीएम बनते हैं और आपका लगभग 25 से 30 साल का अनुभव हो जाता है, लगभग मान के चले 20, कम से कम 20-25 साल का अनुभव हो जाता है, तो आपको सचिव बना के भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो नॉर्मल पोस्ट होता है, जिसको आप डीएम कहते हैं ना, बहुत मतलब अगर आप यूपीएससी के देखेंगे वो नॉर्मल केस हो, तब आपको समझ जाइए कि आपको लात खाने के लिए भेजा है, तनी सुन देखो लीजिए कि हाँ कैसे कैसे होता है, उसके बाद आपको उठा उठा के कहीं कहीं का आपको डायरेक्टर बनाएगा, कोई विभाग दे देगा, गन्ना विभाग के डायरेक्टर हो जाइए, उसके बाद आपको कहीं उठा के आपको उप सचिव, सचिव, ज्वाइंट सचिव, मुख्य सचिव, ऐसे बना बना के ले जाएगा एकदम बूढ़ा करके एकदम। तो देखिएगा ना, नीतीश कुमार जब बैठते हैं ना, तो उनके साथ साथ 8-10 आदमी और बैठा रहता लो सचिव लोग, और कोई सीरियस मैटर होता है तो बुजिया के बुलाते, गृह सचिव को बुलाइए, इधर बुलाइए गृह सचिव को, वो सारा डिसीजन वही लेता है सचिव, सुरक्षा सचिव को बुलाइए, शिक्षा सचिव को बुलाइए, सब डिपार्टमेंट का एक तो क्या रहता है, सचिव। सचिव वही सारे चीज का रूपरेखा तैयार करता है, देखते हैं आधार कार्ड में क्या क्या लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, कहाँ इसका डाटा सेव होगा, ओटीपी जाएगा कि नहीं जाएगा, डिजी लॉकर में रखाएगा कि नहीं, ये सारा रूपरेखा कौन तैयार करता है, सचिव, सचिवालय। और भारत इस सचिवालय में लगभग 1000 सचिव है, सचिव, उप सचिव, ज्वाइंट सचिव, इतना लोगों का भारी भरकम खोपड़ा लेके मोदी जी चलते हैं। 15 तो इनके सूचना सलाहकार है, 15 सूचना मतलब समझिए 15 एकदम टॉप क्लास का यूपीएससी वाला जो होगा वो सूचना सलाहकार है कि मोदी जी को ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी बातों का बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा। छोटे मोटे आदमी तो है नहीं यहाँ पर, उनको हमेशा सचिव ही समझाते रहते हैं सर, देखते हैं उनके अगल बगल में हमेशा कुछ कुछ बैठा रहता है सर बतिया समझाने के लिए। तो संसद का टोटल सचिवालय किसके अंडर में, सचिवालय अध्यक्ष के अंडर में रहता है, किसके अंदर में, अध्यक्ष के अंडर में रहता है। अध्यक्ष जो है अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति, किसी संसद के सदस्य को, संसद के सदस्य को अगर विदेश जाना है तो कौन बोलता है, अध्यक्ष। अगर संसद को, कोई सांसद बोल देते हैं, सांसद को कहाँ जाना है, विदेश जाना है, तो कौन डिसाइड करता है, अध्यक्ष। अब यहाँ आप फंस जाइएगा, कैसे फंसिएगा, अगर मंत्री को विदेश जाना है तो राष्ट्रपति, मंत्री को विदेश जाना है राष्ट्र, ऐसा क्यों, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए ही क्या बने थे, मंत्री, तो सहायता देने बिना भाग जाएगा। तो बताइए संसद के मंत्री को जाना है तो राष्ट्रपति, और सांसद को जाना है तो, बहुत बार ऐसे लोग जाते हैं, जैसे अभी आपके पीयूष गोयल साहब जो गए थे COP26 की जो मीटिंग थी कोप की ग्लासगो में, तो उसमें पीएम मोदी के शेरपा बन के कौन गए थे, पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब अभी कोई मंत्री हैं नहीं, तो बताइए प्रधानमंत्री गए तो किसको सूचना दिए, राष्ट्रपति को, अब पीयूष गोयल साहब साथ में गए वो किसको सूचना दिए, अध्यक्ष को, जा रहे हैं आप। और अगर बिना सूचना दिए अगर 60 तक आप एब्सेंट मार देंगे ना, भगा देगा, 60 तक अगर आप एब्सेंट मार दिए तो क्या कर देगा, भगा देगा आपको, आपके ऊपर ये दंडायक अधिकार ले लेगा कि आप बिना बताए 60 तक नागा कैसे मार दिए, आप बता के नागा मारिए तब सही होगा। अभी इस पर एक विवाद हो गया हमारे राष्ट्र रंजन गोगोई साहब, रंजन गोगोई साहब ने ऐसा बात बोल दिया जिसका कोई हद नहीं, वो कुल 14% वोट मतदान, 12% ही उपस्थित रहते थे, मतलब समझिए कि 100 में 12 जाते ही नहीं थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि आप राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं, आपका काम है वहां जाके जनता के मुद्दों को उठाइए, कोई गलती कर रहा है तो भाग लीजिए। तो क्या कह रहे हैं पता है, सुप्रीम कोर्ट के जज ना है, सुप्रीम कोर्ट के कहा है जज, तेवर वही रहेगा,
अरे अभी भेंट कहाँ हुआ नितवन से आपको? अब जब भेंट होगा ना राज्यसभा में, तब पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट कौन सी होता है। वो जाएंगे तो उनमें सेम सेम चिल्लाने लगता है जो कांग्रेस वाला, सेम सेम मतलब बेचारा हिंदी मीडियम वाला इतना दिल का सीधा होता है, कह रहा है सेम सेम मतलब इसको लग रहा है सेम टू यू। सेम सेम का मतलब शर्म करो, शर्म करो, समझा गया कि नहीं? देखिए इस देश की विडंबना देखिए, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर फैसला रंजन गोगोई का था। अरे यार क्या ही बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट जब बताएंगे तो मुख्य न्यायाधीश कोई स्पेशल नहीं होते हैं। जितना पावर मुख्य न्यायाधीश का होता है उतना ही पावर अन्य न्यायाधीशों का भी होता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर फैसला 5-1 के संविधान से आया था, जिसमें केवल एक वोट रंजन गोगोई का राम मंदिर के फेवर में था। तो अगर रंजन गोगोई चाहते कि भी राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला ना दे तो वो फैसला मान के चलिए वो पक्ष में थे तो कह देते कि हाँ यहाँ मंदिर था। तो अगर बाकी के लोग तो अपना फैसला देने के लिए स्वतंत्र थे, और ये फैसला तभी आ सकता जब 3 कम से कम जज जो है वो फेवर में हो, चाहे वो मंदिर के फेवर में हो तो मंदिर और मस्जिद के रहेंगे तो मस्जिद, पांचों में पांचों कोई मंदिर के फेवर में नहीं था, मस्जिद के फेवर में नहीं था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहां था? मस्जिद के फेवर, तो मंदिर के फेवर, अरे वही बात समझो यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? तो पांचों का पांचों किसमें था? मंदिर के फेवर। अब लोगों का लग रहा है कि रंजन गोगोई का फैसला है। अभी बताओ आप पढ़े लिखे हो, रंजन गोगोई का फैसला है, पलट देगा फैसला, अगर 3 को भी सहमत रहते रंजन गोगोई क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब यही किया है बड़ा सम्मान। खैर वो अलग मैटर है, इसीलिए जाते हैं ना तो विपक्ष वाला क्या करने लगता है, सेम सेम, समझ गया, शर्म करो शर्म करो। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया पता है? स्टेटमेंट दिया कि मैं संसद में अपनी बातों को रखने जाता हूं, ना कि उनकी बातों को सुनने के लिए। जब मुझे जरूरत होती है तो मैं संसद जाता हूं, अदरवाइज में मैं क्यों जाऊं। मतलब इनके हिसाब से संसद इनका से नीचे है, माने तो हम लोग काहे लिए पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 79 की, देश की संप्रभुता संसद में है। आप ही होशियार हैं, जब आपका मन करेगा तो संसद में जाएंगे, आप अपनी बातें संसद में रखेंगे, संसद की बातें नहीं सुनेंगे। इतना अगर है तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। उनको काहे पाकिस्तान भेज रहे हैं जी? तो ऐसा विवादित बयान दे दिए हैं। इस पर संसद के लोगों ने अपना विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठा दिया है कि आप हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं, आपको अधिकार दिया गया है तो आप यहाँ जनता के मुद्दों को उठाइए। नहीं उठा सकते थे रंजन गोगोई, क्या बात कर रहे हैं जज साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में 35 जज, देश चलाने के लिए 500 इधर 545 सांसद और उधर 545, देश चलाने के लिए 790 नेता, लेकिन इन्हें सजा देने के लिए 140 करोड़ लोगों के ऊपर से 34 को जज, और उसके बाद कहते हैं आपकी कि हम अपनी बातें कर देते हैं, ये आपको नहीं दिखता है? एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा है, आपको हम कह देते हैं 5 लाख पन्ना पढ़िए, नहीं पढ़ पाएंगे वो 5 लाख मुकदमा, एक मुकदमा की इतना लंबा फाइल होती है, पागल हो जाता है जज। कभी आप किसी जज से नहीं मिले होंगे, एक बार हमको भी बड़ा जजों से शिकायत रहती थी कि नहीं करते हैं, जज से मिले हम शिकायतें करना छोड़ दिए, बेचारा का जीवन देखे हम कहीं पागल हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा कि हम लोग परेशान हो जाते हैं सर, उधर मर्डर किया, उधर रेप, उधर घर जला दिया, गुंडा लूट लिया, हाजिरी नहीं बनाई, नहीं बनाया, दिमाग पागल हुआ रहता है, यहाँ मुकदमा सुनो, घर जाके फैसला लिखो, ये करो, क्या करिएगा? हम लोग किस मुसीबत में काम कर रहे हैं क्या पता? आज देखिए ये मुद्दा किसको उठाना चाहिए, रंजन गोगोई साहब, उनकी बातों को लोग और भी सुनते कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हम अगर जजों का मामला उठाएंगे लोग तवज्जो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम विद्यार्थियों का मामला उठाएं तो देखिए आपका नतीजा सामने, रेलवे एग्जाम फरवरी में ले लिया कि नहीं लिया कि नहीं? हम अगर किसान का मामला उठाएंगे तो पता चला हमरे से कोनो क्रॉस क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन बिया कितना महीना पे निकलता है। तो हम लोग को किताबी नॉलेज है खेती का, प्रैक्टिकली हम लोग उतना खेती तो जानते नहीं है ना, हम लोग उतना खेती नहीं जानते, तो ये मामला उठाना चाहिए। लेकिन ना हम अपने मन से जाएंगे, तो वही कहा गया कि जब ये अपने मन से जाएंगे 60 दिन तक नागा मार के इनको बाहर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बाहर कर दीजिए। तो बताइए अध्यक्ष बाहर करेगा कि सभापति? रंजन गोगोई साहब मनोनीत हुए हैं इधर से, तो सभापति, दोनों नियम दोनों पे लगता है, ये नियम किस पे लगता है? दोनों पे। हमारी मांगे पूरी करो।
आगे बढ़ जाए तो बताइए, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रह गए तो क्या कर देगा? भगा देगा आपको। अगर 60 दिन के अंदर आप बिना बताए अनुपस्थित है तब उसको बता दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए कि देखिए भाई ओम बिरला साहब हम ना आ पाएंगे, अभी हम जा रहे हैं तनी ससुराल जाइए, तो आप नागा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन आगे बढ़ जाते हैं, चलिए देखिए आप 60 दिन तक वाला समझ में आ गया आप लोगों। संसद में कोई भी डिसीजन लेना रहेगा गुप्त मीटिंग बुलानी है, जैसे मान के चलिए अभी सीडीएस साहब की क्या हुई दुर्घटना हो गई, विमान दुर्घटना हुई आप, तो इस सब में निर्णय कोई गुप्त मीटिंग करना है ये सब चीजों का, तो कोई भी गुप्त आपात मीटिंग बुलाना रहता है तो राष्ट्रपति बुलाएंगे कि अध्यक्ष, और ऐसे संसद के नॉर्मल सत्र को आहूत कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। 60 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे तो क्या कर देगा? भगा दे। चुनाव जीतने के बाद यदि आप कोई पार्टी को ज्वाइन कर लिए, कोई पार्टी को ज्वाइन कर लिए, दूसरी पार्टी बदल दिए, तो आप पे लगा देगा दल बदल। क्या लगा देगा? दल बदल लगा देगा। क्या लगा देगा? दल बदल का नियम लगा देगा। अब आप ही बताइए, जैसे आप वोट मांग लिए कमल छाप पर, वोट मांग लिए कमल छाप पर, क्योंकि अभी माहौल किसका है? कमल छाप का। आप वोट मांग लिए कमल छाप, या दिल्ली में जाके मांग लिए झाड़ू छाप, और उसके बाद ज्वाइन कर लिए पंजा, तो आपने जनता को तो बेवकूफ बनाया ना, जनता को बेवकूफ बनाया। तो लोकसभा अध्यक्ष कहता है आपको जो पार्टी ज्वाइन करना है वो पार्टी ज्वाइन कीजिए, लेकिन चुनाव जीतने से पहले जिस झंडा को लेकर, जिस चुनाव चिन्ह को लेकर आप लोगों से वोट मांगे हैं, आप 5 साल तक जीतने के बाद उसी झंडा को लेकर ढोइएगा। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आप पर क्या लग जाएगा? दल बदल, और आपकी योग्यता को समाप्त कर दिया जाएगा और आपको एक ना सामान्य आदमी की तरह बना के भेज दिया जाएगा। तो दल बदल पर डिसीजन कौन लेता है? अध्यक्ष। दल बदल पर अध्यक्ष। दल बदल के अलावे अगर कोई कारण और है तो उसे हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन दल बदल के आधार पर कौन करता है? दल बदल के काम पर कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करेगा। दल बदल के आधार पर अध्यक्ष कर, अन्य मामलों के आधार पर? दल बदल पर, अन्य मामले राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है किसी को? दल बदल और राष्ट्रपति, निर्णायक मत कभी नहीं होगा। देखिए ये जलपरा का क्वेश्चन है कि सर निर्णायक मत तो कभी हो ही नहीं सकता, समझिए ध्यान से। जरूरी नहीं कि बीजेपी के पास 303, देखिए ये देश की विडंबना समझिए क्या, ये देश का नेता सब बात में संशोधन किया सब, नियम क्या लगा दिया सब, ये सब देश का नेता सब, कि ये जो पहले ये समझिए इसका क्या कहना है, पहले इसको समझिए। कह रहा है कि जब 303 को क्या चीज है, बीजेपी के पास सीट है, तो 273 भी ला देगा तो विधेयक तो पास हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 303 उनसे सहमत हो। जैसे पंजाब के जो बीजेपी के सांसद थे लोग, या फिर जो उनके गठबंधन के लोग थे, वो कृषि विधेयक पर सहमत नहीं थे। तो ऐसा थोड़ी है कि सबका सब क्या होगा, सहमत होगा, सबका सब सहमत ना हो। और कोई जरूरी थोड़ी है कि सबका सबका सीट बहुमते हो। कांग्रेस का तो 120 को था, गठबंधन करके क्या की थी, सरकार बनाई थी। तो निर्णायक मत तो हो ही सकता है। अगर दूसरी समस्या समझिए, नेताओं ने संशोधन कर लिया, कह दिया कि आप वही वोट डालिएगा उसी पक्ष में जिस पक्ष में पार्टी वोट डालना चाहती, तो गलत बात है। मतलब सांसदों का कोई वैल्यू नहीं, ये 545 का कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी के 303 जो सांसद जीते हैं लोग, 302 है कि 303 है, 303 जो सांसद जीते हैं, ये अपने मन से वोट नहीं डाल सकते। बीजेपी ने कह दिया कि किसान विधेयक के पक्ष में डालो, इनको क्या डालना पड़ेगा? पक्ष में। और कह देगा विपक्ष में डालो, इनको क्या डालना पड़ेगा? विपक्ष में। और अगर नहीं किए तो इन पे दल बदल लग जाएगा, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में प्रत्येक लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। तो हम लोकतंत्र में जरूर रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग नौसिखिया लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये आप बताइए, क्या यह होना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? भाई देश में संसद की सरकार है, जनता की सरकार है, कि पार्टी की सरकार चल रही जनता की? अब वो मजबूर है कि वो उधर ही से वोट डालेगा, मजबूर है क्या करेगा, उधर ही से देगा। जैसे जैसे बिहार में आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू के हैं, और उप मुख्यमंत्री जी जो हैं
बीजेपी के, अभी बताओ कौन उप मुख्यमंत्री है, रेणु देवी जो मुख्य रूप से, और तार किशोर प्रसाद। तो रेणु देवी जो है बीजेपी से, उन्होंने कहा कि विशेष राज्य की जरूरत ही क्या। तो अमूमन यही देखने को मिलता है कि आप जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के फेवर में बोलने लगते हैं। रीजन क्या है, नहीं बोलिएगा तो आपको क्या लगा देगा, दल बदल। एटलीस्ट हमारे हिसाब से तो दल बदल में ये व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, हर व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, स्वतंत्र। लेकिन फिर एक समस्या आ जाएगी, हर व्यक्ति को यदि आप स्वतंत्र छोड़ देंगे ना, तो 303 में से जो है सब क्या करेगा, सब दूसरे पार्टी से पैसा लेगा। सब 5 करोड़ लाओ, हम सरकार के खिलाफ वोट डाल देंगे। जैसे 370 हटाना था तो बीजेपी ने तो कह दिया अपने सांसदों को, हटाई तो हटाई तो, हटाना है तो हटाना है, और नहीं हटाओगे तो तुमरा हटा देंगे। किस पर? दल बदल पर। उनकी तो मजबूरी बन गई। लेकिन अगर हम लोग अमेरिका की तरह सांसदों को छूट देते तो क्या पता कश्मीर वाला नेतवा सब पैसा दे दे, खरीद लेता सब, 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे। एक काम करो, तुम कह दो कि नहीं हटेगा, या फिर एक काम करो छुट्टी मार लो, पेट दुखा रहा है हमारा। नहीं समझ में आ गया, भाग जाएगा, पारित हो पाएगा नहीं। तो हम लोग बड़े दुविधा में हैं। आप बताइए, अगर लोकतंत्र को सही मायने में देखेंगे तो इन्हें छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि खाली मुड़ी ही लाता है सब? लड़की लोग को बड़का कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक बार आता है तो पता नहीं, हम सोचते कि समझ रहा है सब कि नहीं समझ रहा है सब। सब लोग को समझ आ रहा है? गधों को नहीं आ रहा है? कुंदन कुमार, अच्छा समझ, अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो कर रहा है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला नहीं वाला कर रहा है, नो प्रॉब्लम। देखिए, हर सांसद को 545 को स्वतंत्र होना चाहिए कि वो किसी विधेयक के, किसी प्रस्ताव के पक्ष में है या विपक्ष में। लेकिन दल बदल का कहना है कि आप जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के हिसाब से पक्ष और विपक्ष डिसाइड कीजिएगा। समझ में आ गया? अमेरिका में ऐसा है? अमेरिका में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से वोट डालना। डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी का भी आदमी स्वतंत्र है कि जो बाइडेन के डिसीजन का साथ दे सके। तो वो लोग एक ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सब। पता चला 303 क्या है, जीते हुए क्या है, विधायक है, बीजेपी के सांसद है। अब बीजेपी कोई प्रस्ताव पारित करने जाएगी तो अगर इन 303 को खुला छूट देंगे कि अपने मन से वोट दो, तो बेचा जाएगा सभी, बिकने लगेगा सब पैसा पे। तो उससे अच्छा किया गया कि नहीं भैया, तुम उधर बिकेगा उससे अच्छा बांध दो बिकने से अच्छा बांध दो, बिकने से अच्छा क्या कर दो, बांध दो। कोरोना वायरस है सब सर, ये सब या तुम क्वेश्चन पूछो या फिलोसफर वाला बात मत किया करो लोग। 60 दिन तक लगातार नागा नहीं मारना चाहिए, 60 दिन तक तो कभी जोड़ के 60 दिन जोड़ेगा तब तो हो गया काम उसको। लगातार 60 दिन तक नागा नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन अब पूछा जाए, बताएंगे, बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके अंडर में? विदेश जाने वाला संसदीयों का नियुक्ति कौन करता है? और मंत्रियों का? संसद की, लोकसभा की कार्रवाई को प्रारंभ कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। तो बताए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। एक्चुअली क्या है ना कि संयुक्त अधिवेशन 108 में है, धन विधेयक 109 में है, तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वो आगे वाला चीज है। लेकिन जब वहां जाएंगे तो उस चीज को बताएंगे कि इसको भी अध्यक्ष काम को करते हैं। संयुक्त संसद के विभिन्न समितियों के लिए नियुक्ति के लिए कौन करता है? संसद के विभिन्न सदस्य का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है? नहीं करता है। ये अपने मत का प्रयोग कब करेगा? निर्णायक मत के लिए, अदरवाइज में वो अपने मत का प्रयोग नहीं करे। बताइए हम अपने मत का प्रयोग करते हैं? आप ही लोग से पूछते हैं कि बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मित्रों, तो आप कहते हैं नहीं होना चाहिए, आधा कह देगा नहीं, फिर कहेगा हाँ, तब हम दुविधा में फंस जाएंगे। और तब कहते हैं जैसे केमिस्ट्री का बैच आना चाहिए कि नहीं, इकोनॉमिक्स फिजिक्स तो चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कितना लोग कह रहा है इकोनॉमिक्स आना चाहिए? प्रचंड बहुमत विशेष बहुमत से भी खतरनाक है, ये तो कब्जा कर लेगा सब लोकसभा पे, अतः प्रस्ताव को रद्द किया जाता।
नहीं, इकोनॉमिक्स भी बैच आ जाएगा। अब डेट डिसाइड करने के लिए हो गया, तो हम डेट डिसाइड जैसे हो जाएगा आपको बता देंगे। एक्चुअली क्या है, सुनिए ध्यान से, आज कितना तारीख है, 16 तारीख है, 14 तारीख को बीपीएससी दरोगा का क्लास लास्ट हो जाएगा, एक्चुअली 24 को, क्योंकि 26 को एग्जाम है उन लोग का। तो होता क्या है कि उस समय तक थोड़ा आदमी को टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हफ्ता और वेट कर लेंगे आप लोग, एक हफ्ता में आप लोग को आ जाएगा बैच 9 बजे। अगले साल नहीं जी, कोशिश करेंगे इसी साल या फिर अगले साल। चलिए ध्यान से देखें, संसद के कितने अधिकारी, 6, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव महासचिव, सभापति उपसभापति महासचिव महासचिव, ये लोकसभा का महासचिव, ये राज्यसभा का महासचिव, और इसी महासचिव बाकी सचिवों को कंट्रोल करता है। ऐसे मत बोले आप, सचिव सब जो होता है सब, बहुत सारे सचिव सरकार से नाखुश भी रहता है, लेकिन क्या करेगा सर, नौकरी का सवाल रहता है, प्रमोशन ही नहीं देगा, वापस सचिव से डीएम बना के भेज देगा सचिव से उठा के भेजेगा, डीएम बेचारा पगला जाएगा। डीएम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी न रहती है, कुछ चल जाएगा डीएम साहब के पास चल जाओ, छोटा मोटा नेतवा चलाता है सर डीएम साहब के पास, सचिवालय में जाए ना नेतवा सब अंग्रेजी में बोलने लगता है सब सचिव से पूछे ना कि सर कभी कभी नेता दबाव बनाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, कहा कि सर हम लोग इंग्लिश बोलने लगते हैं चला जाता है सब उधर इंग्लिश में समझाने लगेगा, उसके चल जाएगा, मेरा मीटिंग है ठीक है तुम लोग कर लेना हम लोग भी ऐसा करते थे लोग बचपन में स्कूल में, जब प्रिंसिपल साहब भाषण देते थे तो ताली बजाने लगते थे, खत्म हो गया भाई चल जाए कभी कभी बोर हो जाता था प्रिंसिपल के भाषण से, खत्म नहीं करते थे तो सब लगे बजा 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 चल जाए आप लोग कचरे ही नहीं किए हैं हम लोग तो एकदम उसके सुपरलेटिव डिग्री पे थे लोग, अगर मेडल मिलता ओलंपिक में तो हम लोग का बैच पूरा लेके आता हम लोग के घर वाला हम लोग को बाहर पढ़ने नहीं भेजा था, उब गया था तो भेजा था, भाग तो जाते नहीं यार, कुछ बन के आना चाहे मत आना, मोहल्ला शांत रहेगा, भाग भाग यार बदमाश बहुत थे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट कल समझेंगे लोग।